बहुत नेगेटिविटी मिलती है, इतना आसान है क्या बनना, बच्चों का खेल है क्या, ऐसे ही बन जाओगे क्या, माँ ने तो कोचिंग ही नहीं कराई। मैंने कोचिंग नहीं करी है, मैंने इसलिए नहीं करी, मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि फादर जो पैसा छोड़ के गए कोचिंग में बर्बाद हो जाएगा। मैं लाइब्रेरी जाती थी पढ़ने के लिए, उदयपुर में गुलाबबाग की फेमस लाइब्रेरी है जहाँ 1 रुपये की फीस है। मैं दिन में जाती थी कड़ी धूप में, मेरी छोटी बहन और मैं जाते थे। हम लोग बड़ा ऑटो करते थे कि छोटा ऑटो 100 रुपये ले लेगा आने जाने के, बड़ा ऑटो करते थे, बैग ले जाते थे। जनरल लाइब्रेरी थी क्योंकि कड़ी धूप होती थी, कोई नहीं होता था लाइब्रेरी में। वहाँ की लाइब्रेरियन मैडम ने बहुत सपोर्ट किया, एक कार्ड पे 4 बुक्स मिलती थी, वो मुझे 15 बुक्स लेने की परमिशन देते थे। बैग भर के कड़ी धूप में ऑटो के लिए खड़े रहते थे, घर तक आते थे, फिर नोट्स बनाते थे। फोटोकॉपी कराएंगे तो पैसा लगेगा, कोचिंग जाएंगे तो पैसा लगेगा। तो जब मदर को देखते थे ना तो बड़े आंसू आ जाते थे कि नहीं नहीं पैसा बचाना है ना। ऐसे करके खूब नोट्स बनाए, खूब पढ़ाई करी। कॉलेज के जो हमारे लेक्चरर थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो बुक्स उन्होंने मुझे बताई, वो बुक्स मैं घर ला के पढ़ती थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं पास हो गई, ठीक है, मेरा प्री पास हुआ। फिर मैंने सेकेंड पास किया, इंटरव्यू था तो इंटरव्यू के लिए भी सबने कहा कि नहीं कोचिंग करो। तो मन से ये आवाज़ आई कोचिंग करूँगी तो वो कहेंगे ऐसे चलो ऐसे बैठो, तो बिल्कुल बनावटी व्यक्तित्व बना देंगे। अक्सर आप देखना जब आपको कोई कहता है ना कि आपके पास 4 लोग जब इंटरव्यू लेते तो हाथ ऐसे रखना चाहिए, आंखें से ऐसे देखना चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं किया, ईश्वर की आराधना की, नाम लिया, खूब मेहनत करी और इंटरव्यू में मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले थे। उस टाइम मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गई जबकि मेरा एमए फाइनल का एग्ज़ाम था। उसी टाइम मैंने JRF भी क्वालिफाई किया कि बाय चांस RS में नहीं हो तो मैं कॉलेज में प्रोफेसर तो बन जाऊंगी, फेलोशिप लेके पढ़ाई करूंगी। मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ ही निकल गई, वो 22 साल की बहुत छोटी थी उसके बैच में। जब उसने एग्ज़ाम पास किया तो उसको देखते ही इंटरव्यू में प्रोफेसर जो RPC के मेंबर्स पूछते हैं तुम तो बहुत छोटी हो तो तुम कैसे यहाँ तक पहुँच पाई। तब हमने हमारी कहानी सुनाई, आपको सुविधाएं कभी भी आगे नहीं बढ़ाएंगी, ये गांठ बांध लो, दिमाग में बैठा लो, सुख सुविधाएं आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ाएंगी। जहां अभाव होते हैं ना वहीं इंसान आगे बढ़ता है, लाइन होती है ना। मैं आज इतना बड़ी क्योंकि मुझे लोगों को ये जवाब देना था कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मेरे फादर नहीं मेरी मदर है वो सब कुछ है और मैं कर सकती हूँ, मुझे करके दिखाना था। इस जज्बे ने मुझे सोने ही नहीं दिया। मैं 1:30 बजे सोती थी पढ़ के, 3 बजे फिर उठ जाती थी पढ़ने के लिए, क्योंकि वो जुनून ही ऐसा था कि नहीं कुछ करना है। मैं खाना नहीं खाती थी क्योंकि भूख ही मर गई थी। तो मेरी मदर मुझे टुकड़े टुकड़े थोड़ी देर खिलाया 15 मिनट, फिर पढ़ने बैठी, फिर थोड़ी देर खिलाया। वो इतनी चिंता होती थी कि खाना तो भाता ही नहीं था। सपने होते हैं ना वो जीने नहीं देते कई बार, तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। कई भी ऐसा नहीं है कि उसके फादर बहुत बड़े हैं, पैसे वाले हैं तो खूब खर्चा, कोई मायने नहीं रखता खर्चा वर्चा, आपकी मेहनत क्या होता है, कुछ भी उठा के पढ़ लो, ऐसा नहीं है। आपको प्लानिंग हमेशा करनी पड़ेगी, चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप गृहस्थी चला रहे हो, चाहे परिवार संभाल रहे हो, एक प्लानिंग एक खाका हमेशा बनाना पड़ता है कहीं तक पहुंचने के लिए। बस वो प्लानिंग करनी है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, अच्छे लोग अपने आस पास रखने हैं, गलत लोगों से हमेशा दूर रहो। ये वो नेगेटिव लोग हैं जो आपके आस पास का ऑरा बिगाड़ते हैं। सोसाइटी में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे और जब अच्छे लोग नहीं मिले अपने पेरेंट्स को देखो, पेरेंट्स को रोज़ देखोगे ना आगे बढ़ने का मौका हमेशा ही मिलेगा। जब पेरेंट्स को रोज़ सुबह शाम देखोगे ना सब तकलीफें दूर हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। मैं आज इतने मैं उदयपुर की रहने वाली हूँ, इतनी दूर बैठी हूँ, मैं रोज़ वीडियो कॉल करती हूँ मेरी मदर को, उनको देखती हूँ तो बहुत सुकून होता है कि नहीं सही है। गलत चीज़ें कभी भी नहीं करनी है, आपको बहुत अच्छा दिमाग दिया है, हमेशा अच्छा करना है। और जब भी कहीं कंफ्यूज हो पेरेंट्स के बारे में इन दिमाग में उनकी तस्वीर बैठा लो, ऑटोमेटिक गाइडेंस मिलेगी। ऑटोमेटिक कोई शक्ति है जो आपको गलत रास्ते पे जाने से रोकेगी, बस उनका चेहरा, आंखें बंद करो उनका चेहरा देखो और ऑटोमेटिक आपको लगेगा एक रास्ता खुल गया आगे बढ़ने के लिए। ये चीज़ें हैं जो हमेशा ध्यान रखनी है। कहीं पर भी हो सकता है हर लड़की जॉब नहीं करे, कोई ज़रूरी नहीं है। गृहस्थी चलाना भी बहुत बड़ा काम है, परिवार को संभालना भी बहुत बड़ा काम है, वो छोटा काम नहीं होता। हम 3 भाई बहन हैं, तीनों को RS की लाइन में डालना छोटा काम नहीं था माँ के लिए ना। कुछ भी करें सब चीज़ें अच्छी हैं, आप जहाँ पर भी होगे सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर पाओगे।
ऐसा नहीं है कि हम यहाँ ऑफिसर बन गए तभी हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं। आप कहीं पर भी रहो, आप किसी भी स्तर पर कोई भी काम करो, सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए मौके हमेशा मिलेंगे। लेकिन जो चीज़ आपको इंसान कहलाती है ना, काइंडनेस हो गया, आपकी ह्यूमिनिटी होगी, तो नहीं भूलना है आपको। हमें पता होना चाहिए हमें क्या व्यवहार दूसरों से करना है, छोटों से कैसा करना है, बड़ों से कैसा करना है। अपनी ज़िंदगी हमेशा अच्छी चीज़ें पढ़ो। कई बार होता है ना, मेरा एक मानना है यूज़र पे डिपेंड करता है, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है। कई लोग कहते हैं ना, मेरे पर्सनल विचार हैं, हो सकता है कई लोग सहमत ना हो, यूट्यूब ने बच्चों को बिगाड़ दिया, फेसबुक ने बच्चों को बिगाड़ दिया। मैं ये कहती हूँ, घर में चाकू भी तो है, हम पूजा का नारियल भी काटते हैं, मर्डर तो नहीं कर रहे। घर में कैंची भी तो है, हम मूली काटते हैं, हम गुस्सा तो नहीं रहे किसी के। ये यूज़र पर, मतलब आप पे डिपेंड करता है, आप किस साधन का कैसे उपयोग करते हैं। जैसे मेरा टाइम पास नहीं होता, मैं यूट्यूब पे इंग्लिश सीखती हूँ, मैं यूट्यूब पे अच्छा साहित्य पढ़ती हूँ। मुझे कुछ अच्छे ऐसे साहित्यकार हैं जिनको मैंने डाउनलोड करा, मैं जब भी नर्वस होती हूँ मैं उनको सुनती हूँ, मैं उनको पढ़ती हूँ। ये यूज़र पर डिपेंड करता है, आप अच्छी चीज़ें पढ़ें और अच्छी चीज़ें सुने। और अगर आसपास कोई नकारात्मक है तो जवाब देना भी आना चाहिए, सहना नहीं, जवाब देना चाहिए। अपने अपने संस्कारों के दायरे में रहकर जवाब देना आना भी बहुत बड़ी बात है। ये कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखना तो आगे बढ़ोगे। और बाकी आप चाहे आपका लक साथ दे, आप कितने भी ऊपर तक पहुँच जाओगे, आप कितने भी बड़े, कोई बहुत सारे आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, बहुत बड़ी लग्जरियस लाइफ होगी, ये सफलता मैं तो नहीं मानती। अगर आपके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं आजकल फोर व्हीलर में, A1, अगर वो गाड़ियाँ हैं और आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो गए ज़िंदगी में, आप बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। आप किसी जगह से गए, जाने के बाद 10 लोगों ने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ बोला, आपका नाम लिया, वो सक्सेसफुल लाइफ है। जाने के बाद लोगों ने आपको याद किया, वो आपकी सक्सेसफुल लाइफ है।